अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपके साथ मौजूद है मिडिल क्लास गर्ल। और आज की मेरे इस वीडियो का टॉपिक है बसंत। कुछ साल पहले तक पाकिस्तान में बसंत का फेस्टिवल जो है वो बहुत ही इन था, और लोग जो है बहुत ही बड़ी तादाद में लाहौर आते थे बसंत का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए। और पतंगबाजी के मुकाबले भी होते थे, और एक बहुत ही बड़ी तादाद टूरिस्ट की जो दूसरे मुबालिक से पाकिस्तान आते थे बसंत के फेस्टिवल को देखने के लिए, और जिससे बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान का रेवेन्यू जनरेट होता था, और बहुत ही ज़्यादा पतंगों की टाइप्स जैसे तुक्कल और भी बहुत से नाम हैं, और मांझा वगैरह के जो कस्टमर हैं वो भी इंक्रीज हो जाते थे, और उनका भी जो है वो रोज़गार चल जाता था। लेकिन जब से पाकिस्तान पे बसंत किससे पाबंदी है, तो इस पाबंदी की वजह भी हम खुद ही हैं, क्योंकि मुकाबलेबाजी में जीत की वजह से ख़तरनाक डोर का इस्तेमाल करना, और जिससे बहुत से बच्चों की गर्दनें और पाकिस्तान के बहुत से घरों के जो चश्मों चराग हैं उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही पाबंदी है, और हमें गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर अगर हम गवर्नमेंट के किसी गलत काम पे उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो किसी सही फैसले पे उसे अप्रिशिएट भी करना चाहिए। सो दूसरी तरफ अगर हम ये बात करें कि अगर बसंत पे पाबंदी है, सो अब कौन से फेस्टिवल्स हैं जो बाहर के मौसम में इन हैं? तो मेला मवेशिया है एक फेस्टिवल, जिसमें डिफरेंट जानवरों के मुकाबले होते हैं उनकी हाइट को लेके, उनके डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स को लेके। और फिर एक और फेस्टिवल आ जाता है फूलों का फेस्टिवल, फ्लावर एग्जिबिशन, जिसमें गुले दाऊदी, चमेली के फूल और बहुत से डिफरेंट फूलों को देख के हमारी आंखें जो हैं वो तरोताज़ा होती हैं, और बहुत ही अच्छे लगते हैं हमें। और बहुत शुक्रिया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अल्लाह हाफिज़।